जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्पुतनिक वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, मार्केट में कब तक आएगा और ये कितनी ज़्यादा कारगर है। पर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मैंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वर्किंग बहुत ही आसान भाषा में और काफ़ी फनी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की है, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पुतनिक की। तो स्पुतनिक एक रशियन वर्ड है। एक्चुअल में 1957 में रशिया ने अपना पहला सैटेलाइट जब लॉन्च किया था तो उसने उसका नाम रखा था स्पुतनिक। स्पुतनिक का अर्थ होता है फेलो ट्रैवलर, मतलब रास्ते का साथी। तो उनको ये नाम जो है ना बहुत भा गया। ये हालांकि उनका जो सैटेलाइट है वो 1958 में ये फेल हो गया था ये मिशन, लेकिन उन्होंने इस नाम को जारी रखा, उनको इस नाम से प्यार हो गया। इसलिए जब उन्होंने ये वैक्सीन बनाई ना तो उसका नाम उन्होंने रखा स्पुतनिक वी। ठीक है, तो ये इसका पूरा इतिहास है। अब हम बात करते हैं स्पुतनिक काम कैसे करता है। तो जब मैंने आपको कोविशील्ड का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था जो कोविशील्ड यानी कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें चिंपैंजी के वायरस का इस्तेमाल किया गया है। उस वायरस का नाम होता है एडिनो वायरस। यहाँ पर भी एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है, लेकिन आप लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, आपको लगता है अच्छा ये वही वाला एडिनो वायरस है, चिंपैंजी वाला। नहीं, जो स्पुतनिक में एडिनो वायरस यूज होता है ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। मतलब जो ह्यूमन के अंदर जो एडिनो वायरस पाया जाता है वो स्पुतनिक वैक्सीन में बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और जो चिंपैंजी के अंदर का जो एडिनो वायरस होता है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड में उपयोग होता है। क्योंकि एडिनो वायरस एक सिंपल कोई वायरस नहीं है, ये एक वायरस की फैमिली है। जैसे आपने कुत्तों में कई सारी प्रजातियां देखी होंगी, जैसे जर्मन शेफर्ड हुआ, डाबरमैन हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रजातियां मिलेंगे। उसी तरह एडिनो वायरस की भी कई सारी प्रजातियां हैं। ठीक है, अब आप पाकिस्तान वाले बुरा मत मानिए, कहीं से हम नहीं बोल रहे हैं, ये देखिए आप गूगल खुद बोलता है आपका नक्शा किससे मिलता है, देखिए पाकिस्तान का और बिहेवियर ही मिलता है। अब स्पुतनिक वैक्सीन में एडिनो वायरस का यूज़ किया था जो कि आमतौर पर ह्यूमन से पाया जाता है। ये एक तरह का डीएनए वायरस है। डीएनए के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, फिर भी मैं मोटा मोटी बताता हूँ कि इंसान का बच्चा इंसान ही हो, शेर का बच्चा शेर, इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। और आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि आपका जो बच्चा है वो आप ही का है, पड़ोसी का नहीं है, ये पूरी बात डिपेंड करती है डीएनए पे। और आसान भाषा में आप समझिए, खूनी का पता तक लगा लेते हैं ब्लड के सैंपल से। पुलिस ब्लड का सैंपल ले लेती है और उससे मालूम कर लेती है कि असल में खूनी कौन था। तो ये पूरी डिपेंड करती है डीएनए। अब सबसे पहली बात, हमारे बॉडी में एडिनो वायरस जा क्या करेगा, हमको तो कोरोना से प्रोटेक्शन चाहिए, कोरोना से एंटीबॉडी बनानी है ना, हमको तो एडिनो वायरस से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करते हैं ये लोग, एडिनो वायरस को एक तरह से कोरोना वायरस बना के भेजते। आपने शादी वगैरह में देखा होगा एक लेडीज संगीत का एक प्रोग्राम होता है, तो लेडीज़ संगीत के प्रोग्राम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ अलाउड रहती हैं, वो आपस में मिलके नाच गाना और सेलिब्रेशन वगैरह करती हैं। तो कुछ लड़के ना ये बहुत ही दिलेर होते हैं, इन लड़की बन के सीधा पहुंच जाते हैं लेडीज़ संगीत में जाकर लड़कियों का नाच देखने के लिए। तो भैया आप कोई ना कोई बुआ या मौसी ना नज़र बना के रखती है सारी लड़कियों पर अपने रिश्ता उश्ता खोजने के लिए। वो जाके सीधा पास आके बोलती हैं, अरे बेटी तुमको तो हम पहली बार देख रहे हैं, खाना ना बना लेती हो। अब इधर से आवाज़ आती है, हाँ माँ जी सारा काम कर लेते हैं सिवाय माँ बनने के। तो जिस प्रकार उल्लू बनाने के लिए लड़के को लड़की बना दिया गया, उसी प्रकार इम्यून सिस्टम को उल्लू बनाने के लिए एडिनो वायरस को कोरोना वायरस बना के हमारे बॉडी में भेजा जाता है। अभी एडिनो वायरस को कोरोना वायरस कैसे बनाया जाता है, तो देखिए हमको खतरा किससे है, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन यानी इस हाथ से ना खतरा है। ये हाथ को काट दिया जाए तो ये तो कोई खतरे की बात नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो एडिनो वायरस है ना ये एक तरह से सार्स कोविड 2 से मिलता जुलता है। ठीक है, तो जो सार्स कोविड 2 का जो हाथ है ना, इस सारे हाथ को काट के, स्पाइक प्रोटीन्स को काट के इस एडिनो वायरस पे जाके चिपका दिया। अब एडिनो वायरस अंदर तो पूरी तरह से एडिनो वायरस है, अंदर से पूरी तरह से लड़का है, लेकिन ऊपर से जो स्पाइक प्रोटीन है वो कोरोना वायरस का चिपका दिया। तो ऊपर से दिखा रहा है लड़की की तरह और अंदर है लड़का। ठीक है, तो इस तरह से भुलभुला रहा है पूरा, तो भड़ाक से वो एडिनो वायरस हमारे बॉडी में आता है। अब ये देखता है कि ये नया चीज़ क्या है इम्यून सिस्टम, तो फटाफट एंटीबॉडी बनाता है। अब ये तो एकदम कुचाया हुआ रहता है, एकदम हरा, मतलब डेड फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। और अंदर एडिनो वायरस है, वो अगर सेल के अंदर घुस भी गया तो वो अपने बच्चा ही पैदा करेगा, तो कोई नुकसान की बात नहीं है, वो ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं होता है। अब इसका हाथ की बनावट को देख लेगा इम्यून सिस्टम कि अच्छा इसका हाथ का साइज ऐसा है, तो जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं धड़ाक से वाई वाई जैसा देख रहा है ना, ये एंटीबॉडी बना बना के देख रहा है।
ये जो वाई शेप का आपको दिखा सटाक से इसको ब्लॉक कर देता है, इसके हाथ को ब्लॉक कर दिया, जैसे ही इसके हाथ को ब्लॉक कर दिया किसी काम का नहीं रहा। तो सारे वैक्सीन में लगभग ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन स्पुतनिक पुराने वैक्सीन से अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके जो दोनों डोसेज है ना, ये दोनों अलग अलग डोसेज है। पहला डोसेज है AD5 और दूसरा डोसेज है AD26। AD5 काम क्या है, देखिए पहले ये क्या करता है, AD5 लगता है। AD5 क्या काम करता है, हमारे बॉडी में जो AD5 से लड़ने की जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी AD5 वाला वायरस से होती है, वो आमतौर पर हर ह्यूमन बींग के अंदर होती है। तो पहले एक तरह से कॉमन वैक्सीन दिया जाता है जो कि फटाफट इम्यून सिस्टम को एक एक्टिवेट कर सके, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सके, काम कर सके और फटाक से वो इम्यूनिटी डेवलप कर सके, ठीक है। उसके बाद ही 21 दिन के अंतराल के बाद, बहुत फास्टेस्ट होता है, 21 दिन के अंतराल के बाद दूसरा डोज दिया जाता है। तो जो दूसरा डोज दिया जाता है वो AD26 वाला दिया जाता है, AD5 नहीं दिया जाता, मतलब दोनों अलग अलग वायरस होते हैं, AD26 वाला वायरस इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद वो वाला इम्यून सिस्टम जब पहली बार में एक्टिव होता है 21 दिन के बाद, जब ये वाला वायरस घुसता है ना तो वो और एक्टिव होता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो एंटीबॉडी वगैरह बनाना शुरू करता है। तो वो इतना सफिशिएंट बना लेता है एंटीबॉडी कि हमारे बॉडी में फिर कोरोना वायरस आता है तो उसको बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अब जितने भी वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो स्पुतनिक हो, ये सारे के सारे काम करते हैं एडीनो वायरस पे। तो एडीनो वायरस पे बेसिकली पहले एडीनो वायरस को टकला करेंगे, ऊपर से फिर उसके बाद कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन चिपकाएंगे, तो इतना मेहनत करके उसको नकली कोरोना बना के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, फिर बाद में इम्यून सिस्टम उसका एंटीबॉडी बनाएगा। अरे बाप रे बाप, इंडिया वाले तो ऐसा दिमाग चकरा गया, बोले अरे बाप रे, अभी इतना तालझाल हमारे बस का बात नहीं है, इतना बड़का बड़का एडवांस बातें फेंकते हैं ये सब बड़े बड़े देश, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते तो क्या उखड़ जाता भाई तुम लोग का। तो इंडिया के जो वैज्ञानिक थे ना, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने दिमाग लगा के एक जुगाड़ बना दिया। भैया जुगाड़ में तो हम सबके बाप है, पूरे वर्ल्ड के बाप है, तो भैया जब स्पेस में हमने डंका बजा दिया तो इसमें काहे नहीं बजाएंगे। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बोला कि भैया इतना मेहनत काहे कर रहे हैं, सब एडीनो वायरस टकला कर रहे हैं, फिर ये चिपका रहे हैं, एक काम करो, ये जो कोविड वाला वायरस है इसी को मार के ख़त्म कर दो, इसको मार के कुछ दो, इसको मार दो और फिर मार के वो मरा हुआ सेल को इसके बॉडी में इंजेक्ट कर दो। जैसे मरा हुआ कोविड अंदर घुसेगा, ऑटोमेटिकली जो इम्यून सिस्टम है वो उसका एंटीबॉडी बना लेगा, एंटीबॉडी बना भी लेगा और ये मरा हुआ है तो कुछ कर भी नहीं पाएगा हमारे बॉडी में। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही है कौन सी वैक्सीन लगवाया जाए, कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट रहेगी। तो देखिए सारी वैक्सीन बेस्ट है। बात करते हैं पहले कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन अभी तक सारे वेरिएंट पे प्रॉपर काम कर रही है। ये डॉक्टर एंथनी फौची जो कि US के पैंडेमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है डबल म्यूटेंट हुआ आपका जो UK वेरिएंट, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये जितने वेरिएंट्स हैं सब पे प्रॉपर काम कर रहा है। हालांकि अभी जो ट्रिपल वेरिएंट आया है और जो AP वेरिएंट वगैरह आए हैं उस पर अभी रिसर्च चल रही है और वो जल्दी बता देंगे कि इस पर भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी अभी तक के जितने वेरिएंट से पुराने वाले इन सब पे प्रॉपर काम कर रहा है। एफिकेसी रेट इसकी 80-85% है। 28 दिन का अंतराल रहता है दो डोसेज का, इसमें आपको दो डोसेज लेनी पड़ेगी और दूसरी डोसेज लेने के बाद भी कम से कम 15-20 दिन ये लेगा एंटीबॉडी बनाने में। तो ये अंतराल का समय है। कोविशील्ड भी आपका एडीनो वायरस पे है, ये आपका 4-8 हफ्ते लेता है, मतलब दो डोसेज लेने में। इसमें जो दोनों डोसेज होती है वो सेम होती है, जो पहला डोसेज आपको लगेगा वही दूसरा डोज लगेगा, बस दोनों के बीच में 4-8 हफ्तों का गैप होगा। अब बात करते हैं स्पुतनिक की। स्पुतनिक वी जो है इसमें भी आपको दो डोसेज लगेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग डोसेज लगेंगे, एक होगा AD5 और दूसरा होगा AD26, ठीक है। तो AD5 तो होता है बेसिकली नॉर्मल इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए होता है, वो AD26 जो होता है वो एडवांस लेवल का इम्यूनिटी डेवलप करता है ताकि कोरोना वायरस से हर हाल में वो एंटीबॉडी डेवलप कर ले। तो ये दो एडीनो वायरस का, दो अलग अलग वायरस का यूज़ किया जाता है। इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो 21 दिन का होता है, मतलब 21 दिन के बाद आपको दूसरा डोज लगेगा पहला डोज लगने के बाद। तो ये होता है स्पुतनिक। इसका एफिकेसी रेट 91.6% है और कोई खास साइड इफेक्ट इसमें देखा भी नहीं गया है। बहुत लोगों पर रिसर्च किया गया तो उसमें 3-4 डेड मतलब हुए और वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि बहुत कि वो किस वजह से हुए। तो ये बहुत ही बेस्ट बताया जा रहा है स्पुतनिक, और कब तक आएगा तो इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे वो इसको वैक्सीनेशन की स्पीड को बूस्टअप करते हैं। अभी फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड लंबे बड़े स्तर पर वैक्सीन का मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये तो रही वैक्सीन की बात, पर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक वैक्सीन के दो डोसेज आपको ना लग जाए तब तक बिल्कुल रिस्क मत उठाइए बाहर निकलने का, क्योंकि ये जो टाइम है काफ़ी क्रूशियल है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहिए जब तक बहुत 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 ज़्यादा अर्जेंट ना हो। अपनों का ख्याल रखिए। मैं तो न्यूज़ में देख रहा हूँ मेरी रूह कांप जा रही है जब मैं देख रहा हूँ माँ बाबा कोविड हो गया, बच्चों ने दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से और बाहर उनको मरने के लिए छोड़ दिया। अरे यार ऐसा ना करो यार, मतलब ये
इंसानियत के नाम पे एकदम कलंक है, बहुत बुरा कलंक है। इसलिए कलंक है क्योंकि अगर गलती से खुदा ना खास्ता आपको अगर कोविड हो जाना है तो ये माँ बाप अपने किडनी तक बेच देंगे, लेकिन आपको लावारिस कुत्ते की तरह बाहर छोड़ेंगे नहीं, अकेले आपके अंतिम सांस तक आपके साथ देंगे। तो ये माँ बाप का रिलेशन जो होता है ना वो हमेशा एक प्योर लव होता है। आप जितने रिलेशन लाइफ में बनाएंगे सब गिव एंड टेक होगा, एक हाथ दे एक हाथ ले, लेकिन जो माँ बाप और बच्चों का रिलेशन होता है वो कभी भी कोई इसमें लोभ और लालच नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है इसमें। और वैसे भी हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे जमीन के टुकड़े को माँ का दर्जा दिया था पूरे एंटायर वर्ल्ड में, और पशु को हम लोग माँ कहते हैं, तो सोचिए हमारी अपनी माँ का दर्जा कितना होगा। जो माँ का जो प्यार होता है ना वो आप किसी भी लेवल पर तोड़ नहीं सकते। आप मदर्स डे मत मनाइए, सब विदेशी है, सब फालतू है मदर्स डे एक दिन का मनाना। आप बस रात में आके घर पर आके माँ से पूछ लीजिए कि माँ आपने खाना खाया। असल मायने में वही मदर्स डे है, आप अपनी माँ का केयर कर रहे हैं, वही मदर्स डे है, हर दिन आपके लिए मदर्स डे है। तो ये कोई एक दिन में बाहर अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया और एक दिन के लिए फेसबुक पे फोटो लगा रहा है आई लव यू माँ, तो कलंक है ऐसा। और मतलब ये ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा कलंक है। आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहावत है कि नो रिलीजन इज़ बिगर देन ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और मतलब मैं आपको बताऊँ कि जब आप मरेंगे ना तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपका जात क्या था, आपका धर्म क्या था, आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि आप इंसान कैसे थे। तो इंसान अच्छा बनो यार, जात धर्म इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की केयर करो, बुरे वक्त है, बुरा टाइम है, निकल जाएगा, लेकिन इतना चीप हरकत मत करो कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय।